बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पीटीए की जानिब से जारी बयान के मुताबिक टिकटॉक के आला जिम्मेदारान और चेयरमैन पीटीए के दरमियान आज वर्चुअल मीटिंग हुई। पीटीए के मुताबिक मीटिंग में पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक गैर अखलाकी मवाद को रोकने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया और टिकटॉक इंतज़ामिया की जानिब से मुकामी कवानीन के मुताबिक ममनू मवाद रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों और इकदाम से आगाह किया गया। इस मौके पर दोनों जानब से काबिल एतराज़ मवाद को रोकने और पाकिस्तानी सारफीन को महफूज मवाद फराहम करने से मुतलिक लाए अमल बनाने और आइंदा रबता रखने पर इतफाक किया गया। ख्याल रख के पाकिस्तान टेलीकमीशन अथॉरिटी ने दो रोज़ कबल चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी थी। पीटीए के मुताबिक माशरे के मुख्तलिफ तबकों की जानब से टिकटॉक पर गैर अखलाकी और गैर मुहज़ मवाद की मौजूदगी की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ऐप पर पाबंदी का फैसला किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान माशरे में बढ़ती औरियानियत और फाशी पर शदीद परेशान हैं और उन्होंने तमाम मुतलका काम को इसकी रोकथाम के लिए हिदायत की है, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो इसके नतीजे में पाकिस्तानी माशरे की समाजी व मजहबी इकदार तबाह हो जाएंगी। शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक या दो नहीं बल्कि 15 या 16 मरतबा इस मामले पर मुझसे बात की और वह चाहते हैं कि मरकज़ी मीडिया और सोशल मीडिया और इसकी एप्लीकेशंस के जरिए फैलने वाली फाशी की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली मरतब की जाए। शिबली फराज के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि औरियानियत की वजह से बच्चों और ख़वातीन के रेप के वाक़ात में इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में उन्हें बताया कि टिकटॉक जैसी ऐप्स माशरे के इकदार को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा रही हैं, लिहाजा से ब्लॉक करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।